अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए हाईली इम्पोर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, और उसके साथ साथ बहुत ही प्रॉफिटेबल होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के दो ऐसे गोल्डन तरीके बताने जा रहा हूँ जिसमें आपका जो प्रॉफिट है वो यकीनी है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी ख्वाबों की दुनिया है जिसमें हर कोई चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं, लेकिन होता क्या है कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया कैसे जाता है, कैसे स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा लोग कमाते हैं और बहुत से लोग पैसा गंवाते भी हैं। तो आज की वीडियो में मैं दो ऐसे गोल्डन तरीके आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसमें आप लोग लॉस को भूल जाएंगे और प्रॉफिट आपको 100% मिलेगा। क्योंकि व्यूअर्स, मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमाएं। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है डिविडेंड स्टॉक्स। आपने स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है जो कि हर क्वार्टर में डिविडेंड देते हों, हर क्वार्टर में या साल में दो मरतबा डिविडेंड ज़रूर देते हों। क्योंकि उसे होता क्या है कि आपको दो तरीके मिल जाते हैं पैसा कमाने के स्टॉक मार्केट से। एक तो स्टॉक की जो प्राइस है, अगर आप किसी प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि डिविडेंड भी देती हो, डिविडेंड के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा और साल में कंपनी दो मरतबा डिविडेंड भी देगी। डिविडेंड आप सब लोग जानते हैं कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को जो कुछ हिस्सा देती है वो डिविडेंड कहलाता है। तो डिविडेंड कंपनी का, अगर हो सकता है कि आज आपने इन्वेस्टमेंट की हो और दो साल बाद उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया हो, तो कंपनी का डिविडेंड भी बढ़ सकता है और प्रॉफिट के साथ साथ शेयर का प्राइस भी ऊपर जा सकता है। तो ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भी बढ़ जाएगी और साल में दो मरतबा या चार मरतबा डिविडेंड भी आपको मिलता रहेगा। और डिविडेंड जब आपके अकाउंट में आता है तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिल जाती है और आप चाहते हैं कि कंपनी को होल्ड लंबे टाइम के लिए आप कर सकते हैं। क्योंकि व्यूअर्स, हमारे यहाँ जो है ना स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं होता और वो ऐसे स्ट्रेटेजी अपनाते हैं स्टॉक मार्केट में और फिर लॉस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, मैं हमेशा से आप लोगों को बताता रहता हूँ कि हमेशा डिविडेंड और बोनस देने वाले शेयर में इन्वेस्टमेंट करें। उससे होगा ये कि आपके पास एक अमाउंट आती रहेगी और आप उसको जो है री इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग की मदद से बहुत ज़्यादा पैसा अपनी इनकम को बढ़ा भी सकते हैं। और आप देखें, स्टॉक मार्केट में वॉलेटाइल मार्केट होती है, आप इसमें स्टॉक मार्केट की वॉलेटाइलिटी को जब भी आपको बीट करना होता है ना तो आपने स्टॉक को होल्ड करना होता है, क्योंकि जितनी भी अच्छी कंपनी का शेयर हो वो नीचे भी आएगा और ऊपर भी जाएगा। यही स्टॉक मार्केट है और इस गेम को जो समझ गया वो स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमा सकता है। दूसरा तरीका है मल्टी बैगर स्टॉक्स। आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपने मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर दें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 110 या 120 नहीं होगी, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट 100 रुपये की जो है वो 200 या फिर 1000 हो जाएगी। तो ऐसे स्टॉक्स जो मल्टीप्लाई इफ़ेक्ट देते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट को, जहां लोगों का पैसा 2 गुना 3 गुना या फिर 10 गुना भी हो जाता है, तो उसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। लेकिन सारे स्टॉक्स जो हैं वो ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स नहीं बनते, कुछ ही स्टॉक्स होते हैं जो कि मल्टी बैगर होते हैं। इन्हें अपनी एनालिसिस से हमें फाइंड करना पड़ता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर मैं बात करूं तो 2005 या 6 में जब
अगर किसी ने बाटा कंपनी में, यूनिलीवर, नेस्ले, कॉलगेट, इन कंपनियों में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की होगी, तो आज की डेट में उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, तो हज़ारों गुना का रिटर्न जो है वो उनको मिल चुका है। तो ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का यही फ़ायदा होता है कि अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स को, तो वो ये शेयर आपकी इन्वेस्टमेंट को कहीं गुना बढ़ा सकता है। और एक वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और मैं टाइम टू टाइम आपको ऐसे वैल्यू स्टॉक्स, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में आपको बताता रहता हूँ। और मेरे व्लॉग्स बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल और वैल्यूएबल साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।